हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको शियाटिका की प्रॉब्लम है, आपके कमर में पेन होता है और पेन आपकी लेग तक जाता है, किसी एक लेग तक जा सकता है, दोनों लेग तक जा सकता है, इसको शियाटिका कहते हैं, तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब? जब आपका जो शियाटिका है वो पुराना हो चुका है, बहुत दिन से चलता आ रहा है, बहुत दिन से आपकी कमर में दर्द है। अब कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कमेंट करके कि मैडम, हमारा लेग में पेन नहीं जाता, सिर्फ कमर में दर्द है और बहुत दिनों से है, हम बहुत दिनों से परेशान है, क्या हमें स्लिप डिस्क तो नहीं है? तो सबसे पहले तो आप स्लिप डिस्क की वीडियो देखना, फिर ये वीडियो देखना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर बहुत दिन से कमर में दर्द है, ओनली कमर में ही दर्द है, आपको चलने में दिक्कत होती है, खड़े होने में दिक्कत होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको यही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी नर्व को प्रेस कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है, आपके फेशियल जॉइंट होते हैं, कनाल स्टेनोसिस हो रही है, इसलिए आपको जो पेन होता है वो कमर में बढ़ जाता है। ये चीज अलग होती है कि किसी को कोई इंजरी हुई हो उसकी वजह से उसको दिक्कत आ गई हो, वो बात अलग होती है, लेकिन अगर आपकी कोई इंजरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओनली आपके कमर दर्द से शुरू हुआ और बढ़ता बढ़ता बहुत तेज आपका कमर दर्द आना शुरू हो गया, आपकी लेग में पेन जा रहा है, तो इसको शियाटिका कहते हैं। इसके लिए जो एक्सरसाइज करनी है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ज्यादातर जो MRI में मिलती है, जैसे कि फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी, क्योंकि जब स्लिप डिस्क जो है वो पुरानी हो जाती है, एक्यूट स्लिप डिस्क के सिम्टम्स नहीं आते, तब उसको कहते हैं ये पुरानी हो चुकी है शियाटिका, तो तब आपने ये एक्सरसाइज करनी होती है, तब आपने भुजंगासन नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि सिम्टम्स कैसे खत्म हो जाते हैं, ये मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि आपको 3 या 4 बजे सुबह के वक्त आप सोते रहेंगे तो आपको पेन आएगा, आपकी आंख खुल जाएगी, आपका पेन ही आपकी आंख खुलवाएगा। दूसरी चीज है, जब आप बैठेंगे, जैसे आप चलेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन जैसे आप बैठते हैं आपको सीवियर पेन होगा अगर आपकी स्लिप डिस्क है, क्योंकि स्लिप डिस्क पीछे एकदम नर्व को टच करेगी जैसे ही आप बैठते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हम बैठे बैठे तो मुझे भी पेन होता है, तो मुझे भी स्लिप डिस्क है, अभी ये नहीं होता। देखिए, जिस इंसान की स्लिप डिस्क होती है उसको वैसे रिलीफ मिलता है, जैसे उसको खड़ा कर दिया उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो बैठता है तो उसका पेन बढ़ जाता है। लेकिन कई लोगों को क्या होता है कि बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, मतलब उनका पेन कंटिन्यू बना हुआ है, बहुत दिन से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको स्लिप डिस्क है, वो उनका पोस्चर गलत होने की वजह से उनका पेन बना हुआ है, तो उनको फेशियल जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी हो सकती है, कनाल स्टेनोसिस भी होता है, या फिर पिरिफोर्मिस सिंड्रोम भी हो सकता है, उनको ये 3 चीजें हो सकती है। अगर आपका जो कमर का दर्द है या आपकी लेग में पेन जा रहा है वो पुराना हो चुका है, अभी का नहीं है। और स्लिप डिस्क में भुजंगासन तब करना होता है जब आपकी स्लिप डिस्क ताजी होती है और 2 हफ्ते तक आपने भुजंगासन करना है। अगर आपका कमर दर्द या आपकी लेग में जो पेन जाता है वो 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है आपका कमर का दर्द, तो तब आपने ये फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है, भुजंगासन नहीं करना। आइए देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। तो मान लिया आपकी इस लेग में पेन है, अगर आपकी दोनों लेग में पेन जाए तब तो आपने दोनों लेग से 1 by 1 एक्सरसाइज करनी है, मतलब पहले इससे करनी है फिर इससे करनी है। लेकिन अभी मान लिया आपकी एक लेग में पेन जाता है, इसमें जा रहा है, तो तब आप क्या करेंगे, इस लेग को ऐसे ले आएंगे, पहले 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए आपका नी आपकी थाई से, और इस तरीके से पकड़ लेंगे, बहुत ज्यादा मतलब ऊपर की तरफ ना लाए, तो इस तरीके से रखें, फिर अपना जो आपकी बाकी की लेग है उसको ऊपर की तरफ ऐसे खोलते जाएं जितना आप खोल सकते हैं, और उसके बाद अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, इससे आपकी जो शियाटिका नर्व है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगी, आपको नमनेस सेंसेशन भी हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती है, तो जैसे ही आपकी जो सेंसेशन बढ़ जाए या आपका पेन बढ़ रहा हो तो एकदम आप ऐसे उसको छोड़ देंगे और अपनी पोजिशन में आ जाएंगे। तो दोबारा से देखिए आपको कैसे करना है, आप इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और इस लेग को खोलते जाएंगे, पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, 5 से 10 सेकंड के लिए जितना आप रख सकते हैं, और वापस से इसको रिलीज़ कर देंगे। ये आपने कम से कम 10 बार करने, 10 रेपिटेशन करने, और अगर आपकी दोनों लेग में है तो दोनों लेग से आप 5-5 रेपिटेशन तो ज़रूर कर ले एक टाइम। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लिया इस लेग में मेरी पेन है तो दूसरी लेग को मैं फोल्ड करके इस लेग को इसके ऊपर रखूंगी, जिस लेग में पेन है उसको मैंने इस तरीके से एंगल बनाना है। अब इसे रखने के बाद मैं इसको ऐसे अपने अपोजिट हाथ से पकड़ूंगी और अपने कंधे को नहीं घुमाऊंगी और इसको ऐसे ले जाऊंगी, ओनली मुझे इसको स्ट्रेच दिलाना है, अपने कंधे को बिल्कुल नहीं घुमाना है ना कमर को घुमाना है, इतना, और इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करूंगी और बाद में
इसको नॉर्मल कर दूंगी। अब ये भी आपने 10 रेपिटेशन तो करने हैं, और अगर आपकी दोनों लेग में है तो आप बारी बारी से दोनों लेग का करें। देखिए कैसे, 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, अपने कंधे को नहीं घुमाना है, कमर को भी नहीं घुमाना है, खाली इसको स्ट्रेच देना है, जितना भी स्ट्रेच दे सकते हैं अब बस अपने हिप को देना है। इस जो ये नर्व है इसमें काफ़ी स्ट्रेच आएगा ऐसे करने से, लेकिन कंधा बिल्कुल नहीं उठाना है। मान लिया अगर आपकी इस लेग में भी पेन है, कई लोग गलतियां कर जाते हैं, समझ नहीं पाते, अगर आपकी इस लेग में पेन है तो आपको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और आप दूसरे हाथ से इसको पकड़ेंगे, जो दूसरा हाथ है अपोजिट का, और इसको ऐसे इस साइड लाएंगे, अपना शोल्डर बिल्कुल नहीं उठाना इस तरीके से। तो इसके भी आप 10 रेपिटेशन करें, अगर सिंगल लेग में है, और दोनों लेग में है तो 5-5 रेपिटेशन कर लें। तीसरी एक्सरसाइज है वो है, उसमें आप ऐसे करेंगे कि सिंगल सिंगल लेग को उठाएंगे और नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप कर सकते, ऐसा नहीं कि यहीं ले जाना, यहाँ तक कर सकते तो यहाँ तक लाए, बहुत से लोग इतना ही कर पाते तो इतना ही करें, बहुत ज़्यादा ऐसे खींचतानी करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। कई लोग इसमें क्या करेंगे, जिनको शियाटिका है तो वो इस तरीके से करने लगते हैं, इस तरीके से बिल्कुल ना करें। जिनकी स्लिप डिस्क हुई है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो वो दोनों लेग का एक साथ ना करें, सिंगल सिंगल लेग से करें इस तरीके से, क्योंकि अभी अभी थोड़े दिन पहले उनकी स्लिप डिस्क ठीक हुई है। तो अगर आप दोनों लेग से करेंगे तो ये आपका पेन और बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल लेग से, इसमें क्या है, अगर आपकी एक लेग में भी पेन आ रहा है तो आप दोनों लेग से आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लेग की ना करें तो आप दोनों लेग से करिए, सिंगल सिंगल लेग से ऐसे ऐसे करते जाइए, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप करेंगे। तो इसके भी आप 20 रेपिटेशन कम से कम करें दोनों लेग को मिलाकर। चौथी जो एक्सरसाइज है वो पिरिफॉर्मिस मसल के लिए है, यानी कि जो हमारे बटक का मसल होता है उसको रिलीज करने के लिए है। वो कई बार टाइट हो जाता है, उसकी वजह से शियाटिका आता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि हमारा पिरिफॉर्मिस मसल भी है या नहीं है, वो टाइट हो रहा है या नहीं है, तो आप एक्सरसाइज करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, आपका पेन बढ़ रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, आप 3 एक्सरसाइज जो पहले बताई वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेन नहीं बढ़ रहा है, आप नॉर्मली कर रहे हैं बड़े आराम से, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस लेग में आपकी पेन है तो इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं खींचना है। इसमें क्या करना है, इसको दोनों को पकड़ के, नी को भी और अपने पैर को पकड़ के इस तरीके से लाएंगे। कई लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करना है, मतलब इसके बीच में गैप रखना है, जैसे 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे ही से अपने पैर को रखना है और ऐसे ही मोड़ना है। हम जैसे एकदम से ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो पहले इस लेग को बैंड करके रख के इसके ऊपर इसे रख लेंगे, फिर इसको पकड़ के आगे की तरफ खींचेंगे और इसको फैला देंगे, दूसरी लेग को फैला देंगे। इससे इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, आपका जो पिरिफॉर्मिस मसल है वो टाइट हो जाता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। फिर दोबारा से ऐसे करेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। ये भी आपने जिस लेग में पेन जाता है उसके लिए करना है, और कम से कम 10 रेपिटेशन करें, 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। तो ये होगी चौथी एक्सरसाइज। तो पांचवी एक्सरसाइज में इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे, और ये भी पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से शियाटिका हो जाता है उसके लिए है ये। तो आप इस तरीके से रखेंगे और धीरे 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 अपने बटक के ऊपर बैठ जाएंगे ऐसे, जितना आप बैठ सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं इस पोजीशन में, इतना करेंगे। यही आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे। और वापस। तो ये 5 एक्सरसाइज करें अगर आपको शियाटिका है, आपके लेग में पेन जाता है, या नहीं भी जाता है लेकिन आपको कमर दर्द है बहुत दिन से है, तो ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज करने के दौरान क्या होता है, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पाती, लेकिन आप फिर भी कर लेते हैं थोड़ा सा खींचतान करके, लेकिन उसके बाद आपका पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद भी आपका पेन बढ़ रहा है, यानी कम नहीं हो रहा है, आपको आराम नहीं मिला, तो वो एक्सरसाइज आप बंद कर दें। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज है इन 5 में से जिसको करने में आपका पेन बाद में भी होता है, तो वो बंद कर दें। या तो आप उस एक्सरसाइज को गलत कर रहे हैं, या फिर वो एक्सरसाइज आपके लिए सही नहीं है, तो इसलिए उसको बंद कर दें। जब तक सही सलाह आपको नहीं
नहीं मिल जाती या सही एक्सरसाइज आपसे करनी नहीं आ जाती तब तक ऐसा खींचतानी ना करें अपने आप से। तो आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।